तो अब हमने देख लिया कि जो मेटल्स थी वो एसिडिक थी, उनका ऑक्साइड बेसिक था, और जो नॉन मेटल थे उनका ऑक्साइड क्या था, एसिडिक था। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन थी, और क्या हमारा मिला था, हमें सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड मिल गया था, H2SO3। ठीक है, अब देखो द सल्फ्यूरस एसिड, तो ये एसिड जो है हमारा सल्फ्यूरस एसिड, ये क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो अभी हमने ऊपर देखा था ना, रेड लिटमस वैसे ही है, तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, हमेशा एसिडिक। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। तो ये चीज याद रखेंगे, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक। ठीक है, रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रेड इन क्लास 7। तो कुछ सारे एसिड्स के नाम याद करो लेबोरेटरी में जो होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक तुम्हारा जो है नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। ठीक है, टेबल ऊपर दे रखी है 4.4, उसमें नोट डाउन करने नेम, आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो पहले टेबल 4.4 पे जाते हैं। देखो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मेटल क्या है, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम मेटल है, हाइड्रोक्साइड तो मेटल नहीं है। ठीक है, अब क्या था कि अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में नॉन मेटल क्या है, सल्फर। एक और एसिड लिखते हैं हम, नाइट्रिक एसिड, एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में जो है नॉन मेटल होती है, मेटल होती है, नॉन मेटल है तभी तो एसिड है, तो इसमें क्या नॉन मेटल है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। ऐसी एक हमारा और एसिड लिखते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, CHLROIC। ठीक है, इसमें हमारा नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन, CHLORIN। ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ और भी लिख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है हमारा, सल्फर, नाइट्रिक एसिड में क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है, क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्या है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब हम देखते हैं कि मेटल्स के केस में क्या होता है, हम एक दो मेटल को और देखते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम MagnesiumMeGNEsIUM, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लगा लेंगे यहाँ पे, तो मेटल क्या हुई हमारी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल हुई, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, बेसिक, तो ये बेस है, सॉरी यहां क्लोरीन में ई लगाना रहेगा, ई क्लोरीन। ठीक है, अब इसके बाद और देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम SODIUM, राइटिंग को मेरे जो है ध्यान मत देना, क्योंकि मैं माउस से लिखता हूं तो बहुत क्लियर नहीं आती, और सोडियम के बाद में क्या वर्ड लगाएंगे हम, हाइड्रोक्साइड, तो इसमें मेटल क्या है हमारी, सोडियम, SODIUM। ठीक है, तो ऐसे करके हमने देखा क्या, मेटल, मेटल क्या बनाती है, बेस, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिड। नॉन मेटल क्या बना रहे हैं, एसिड, और मेटल क्या बना रहे हैं, बेस। ठीक है, क्लियर हो गया, और थोड़े से जो है आप लोग खुद से भी ट्राई करो लिखने के, और थोड़े से आप खुद ट्राई करो लिखने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, वी कॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस दैट यू हैव रेड इन क्लास 7। तो हमने डिस्कस कर लिया ऊपर, नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। तो टेबल 4.4 में हमने उनके नाम नोट करें, आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स द ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, तो हमने लिख लिया। अब रिएक्शन विद वॉटर, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वॉटर। अब हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, अब अगली रिएक्शन किसके साथ है, वाटर के साथ। देखो
सोडियम इज अ मेटल वेरी रिएक्टिव। सोडियम यह है कैसी मेटल है, बहुत रिएक्टिव है, बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। इट रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ये बहुत खतरनाक तरीके से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, जो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है इस रिएक्शन में। इट इज देयर फॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ जाता है कि सोडियम को किस में स्टोर करते हैं, सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं। जैसे कि आपकी वुड होती है, वुड के ऊपर अगर हमने केरोसिन, वुड लिया, वुड के ऊपर हमने केरोसिन डाल दिया और हम इसे बर्न करें तो ये बर्न हो जाएगी केरोसिन डालने के ऊपर। लेकिन वुड के ऊपर अगर हमने वाटर डाला और इसे बर्न करने की कोशिश करी तो ये बर्न होगी नहीं, वुड बर्न नहीं होगी वाटर डालने के बाद। प्रॉब्लम क्या होती है सोडियम मेटल के साथ, सोडियम वाटर डालते ही बर्न होने लगता है। जैसे ही हमने इसके ऊपर केरोसिन रखा है, केरोसिन में है सोडियम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा, बर्न नहीं होगा केरोसिन में सोडियम। लेकिन जैसे ही सोडियम के ऊपर हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे तो इस पे, तो इस वुड के केस में तो आपको थोड़ा सा जो है इसको आग भी दिखाने की जरूरत है, या तो आप मैच स्टिक से थोड़ी सी आग दिखाएंगे या किसी और तरीके से। इसमें तो आग भी दिखाने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा वाटर पड़ता है और ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में होती है, ये इमीडिएटली बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सोडियम से बच के रहना चाहिए, और सोडियम को किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन में, क्योंकि केरोसिन में ही ये बर्न नहीं होता, आउटर एटमोस्फेयर में ये क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है। एटमोस्फेयर में आते ही क्या होता है कि ऑक्सीजन तो से मिल जाती है एटमोस्फेयर से, साथ में एटमोस्फेयर में थोड़ा सा वाटर भी होता है, नमी होती है ना थोड़ी सी, ह्यूमिडिटी, तो इसे वाटर भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में सोडियम आ जाता है बर्न होने लगता है। तो इसीलिए इसे बचाने के लिए किस में रखते हैं हम, केरोसिन में, हमेशा केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। तो ये याद कर लेंगे ये पॉइंट। अब देखते हैं ये एक्टिविटी 4.5। अब ये वाली एक्टिविटी भी क्या है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है इसलिए टीचर से दिखाई जाएगी। ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ सोडियम मेटल पीसेस इज रफली द साइज ऑफ अ वीट ग्रेन। तो एक्टिविटी में हमने क्या ध्यान रखना है कि सोडियम का जो पीस हो उसका साइज क्या हो, जस्ट इतना बड़ा हो, इतना बड़ा, जस्ट वीट ग्रेन के बराबर, छोटा सा हो, छोटा सा हो, ठीक है, वीट ग्रेन के साइज के बराबर हो, उससे बड़ा नहीं हो। इट शुड बी हेल्ड विद ए पेयर ऑफ टॉन्ग्स। तो इसको कैसे पकड़ा जाए, टोंग से, क्योंकि ये अगर हाथ से पकड़ोगे तो आपके हाथ में ही बर्न हो सकता है। तो इसीलिए ये एक्टिविटी कौन दिखाएगा, टीचर, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है और स्पेशल केयर लेनी है। सोडियम मेटल का पीस वीट ग्रेन से, यानी जो गेहूं का दाना होता है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और किससे पकड़ना है इसको, टोंग से। रीजन कि आपके हाथ में भी बर्न हो सकता है क्योंकि एटमोस्फियर से इसे वाटर और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे और ये बर्न हो सकता है। अब पढ़ते हैं एक्टिविटी क्या है। टेक अ 250 ml बीकर, तो एक बीकर ले लिया हमने 250 ml, या ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास टम्बलर का मतलब जो नॉर्मल कांच का ग्लास होता है, ठीक है, कांच का ग्लास ले लिया। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, तो इसे आधा हमने किससे भर दिया, वाटर से। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल को हमने किससे काटा, काटा थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा इसका, और ड्राई इट यूजिंग अ फिल्टर पेपर। तो पहले केरोसिन से ली, थोड़ा सा टुकड़ा काटा छोटा सा गेहूं के दाने के बराबर, और फिल्टर पेपर पे इसे ड्राई करा। एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, तो ड्राई करके हमने इसे किस में रखा, फिर कॉटन में, टोंग से पकड़ के ही करना है सारा, सारा का सारा करना किससे, टोंग से पकड़ के। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू बीकर, जब ये रैप्ड हो जाए कॉटन में तो हमने उसने क्या कर दिया है, बीकर में डाल दिया, ठीक है, बीकर में पानी है, बीकर ये ग्लास में। ऑब्जर्व केयरफुली, अब इसको ध्यान से देना है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, तो जब ये देख रहे हो तो बीकर से क्या करना है, दूर रहना है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जब ये रिएक्शन खत्म हो जाए, व्हाट डू यू फील, हैज द बीकर बिकम हॉट, क्या बीकर हॉट हो गया। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, ठीक है, तो टेस्ट द सॉल्यूशन, इज दिस एसिडिक और बेसिक। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई है।